इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना की अध्यक्षता में उद्यमी महासम्मेलन एवं जनरल बॉडी मीटिंग का भव्य आयोजन उत्सव पैलेस लिंक रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन एवं राज्य मंत्री जसवंत सैनी, औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश सरकार महापौर संजीव वालिया, नगर विधायक राजीव गुम्बर, नकुड विधायक मुकेश चौधरी, जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन एवं पूर्व विधायक जगपाल सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महासम्मेलन का आयोजन किया था और एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई थी और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें माननीय मंत्री जी नंद गोपाल गुप्ता जी, नंदी जी, कैबिनेट मंत्री, औद्योगिक विकास एनआरआई और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोशन हमारे कार्यक्रम में आए थे। साथ में हमारे राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी भी आए थे। तो कार्यक्रम का पर्पस था लोकल फॉर लोकल, हम अपने साथ के प्रोडक्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकें, मंत्री जी को दिखा सकें किस तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। उनके समक्ष हमने कुछ मांगे रखी हैं जिससे शांत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, उसके बारे में चर्चा की है मंत्री जी ने जी से, और जिसमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों पे वो विचार करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक जिले का विकास नहीं होगा। और सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं लेकिन सहारनपुर उस पे इसको भी मीट आउट नहीं कर पा रहा है। सहारनपुर की तहसील सदर सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी विपिन टाडा ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान प्राप्त हुई 75 शिकायतों में से 4 का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। समाधान दिवस में विधायक मुकेश चौधरी, सीडीओ विजय कुमार, सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक, एसडीएम किंशुक श्रीवास्तव, तहसीलदार नितिन राजपूत व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर में करबला के शहीद हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की याद में 7 मुहर्रम का जुलूस मातमी माहौल में पूरी अकीदत के साथ निकाला गया। जुलूस में अकीदतमंदों ने भारी तादाद में जंजीरों में बंधी छुरियों, कमा व हाथ से अपने शरीर पर मातम किया। उनके शरीर से खून रिस रहा था। सभी गमजदा लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे तथा नंगे पैर गरेबान चाक मातम करते हुए चल रहे थे। सभी अकीदतमंद या हुसैन या अली या अब्बास, हाय सकीना हाय प्यास की बुलंद कर रहे थे। तू है वो फूल के रोता है चमन भी तुझको, हो मुसाफिर होके ढूंढेगा वतन भी तुझको, गागलहेड़ी के दिनारपुर कॉलोनी में गंदे पानी के जलभराव से कॉलोनी वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि गंदे पानी के जलभराव से परेशान कॉलोनी वासियों व छोटे बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। नालियों में फैली गंदगी व जलभराव ने सफाई की व्यवस्था की पोल खोल रही है। दिनारपुर कॉलोनी में खेड़े वाली सड़क पर घरों के निकले गंदे पानी में काई जमी पड़ी है, तो वही मच्छरों का बढ़ता प्रकोप बीमारियों को दावत दे रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर के नकुड़ में बीएससी के छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने से गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों की सहमति के बिना आरोपी युवकों के पारिवारिक लोगों ने जबरदस्ती आनन-फानन में मृतक का दाह संस्कार करा दिया। बाद में मृतक युवक 19 वर्षीय गौतम उर्फ राजा पुत्र अरविंद सैनी द्वारा लिखे उसकी किताब से बरामद सुसाइड नोट में गांव के ही 2 युवकों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की तहकीकात कराई जा रही है, दोष साबित होने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
मेरा भतीजा कल जिसने आत्महत्या कर ली और इतने डिप्रेशन में था कि उसने आत्महत्या नहीं करी, उसका मर्डर किया गया साजिश के तहत। और बात को लेकर कल आपस में एक दो लड़के हैं जिन्होंने यह साजिश रची मर्डर कर। लड़के का नाम हनी और जी हनी पुत्र अविनाश और जी बानू, दो सगे भाई हैं, इन्होंने एक साजिश के तहत उसका मर्डर किया। किस प्रकार की साजिश? उसके साथ यौन संबंध करते थे, गलत काम करते थे, अश्लील हरकतें करते थे, उस पर वीडियो डालते थे और वो बच्चा इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। हम न्याय चाहते हैं जी, इंसाफ मिले।